मोनेस्ट्री पूरी मड हाउस काइंड बनी हुई है। वाओ, जो है मतलब बिकॉज पेंटिंग्स और इसके लिए इतनी फेमस है, इसको अजंता एंड एलोरा कहा जाता है हिमालय का। ये है जी मड वाली केव्स। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, तो स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में हमारे चैनल पर जिसका नाम है पुनीत भार्गव। तो अभी चल रही है हमारी स्पीति सीरीज़, अनप्लान्ड स्पीति सीरीज़ स्पेसिफिकली। तो कल तक आपने देखा था कि हम यहाँ पहुँच गए थे। जो कल तक के वीडियोस आपने देखे उसमें हम टाबो पहुँच गए थे। अब आज थोड़ा सा टाबो को एक्सप्लोर करेंगे। दो ही चीज़ें यहाँ पे, इनफैक्ट एक मोनेस्ट्री है, बहुत पुरानी मोनेस्ट्री है, पता नहीं कितने हज़ार साल पुरानी बता रहा था ये बंदा, वो है। और एक यहाँ पे मेडिटेशन केव्स हैं। तो ये दो चीज़ें जो यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, अभी निकल रहे हैं उन्हीं को एक्सप्लोर करने। एक्सप्लोर करके फिर निकलेंगे आगे आज काजा के लिए। जहाँ मैं रुका हुआ हूँ यहाँ से बेसिकली वॉकिंग डिस्टेंस है मोनेस्ट्री का, तो इसलिए मैं पैदल ही जा रहा हूँ। गाड़ी वाड़ी अभी यहीं खड़ी है, पैदल जाते हैं। और अन्य से लेट होने का कोई फ़ायदा नहीं था, तो नहीं तो अदरवाइज़ यहाँ पे जो मेडिटेशन केव्स हैं वो भी आप वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं, पर उसमें क्या है आधा घंटा लगता है पहुँचने में, तो वो रिस्क नहीं हम ले रहे हैं। तो वहाँ तो जाएंगे गाड़ी से, क्योंकि वो काजा वाले रास्ते में पड़ता है। तो अभी चलते हैं यहाँ पे, मोनेस्ट्री दिखाते हैं आपको। चलो, सो ये है जी यहाँ की ओल्ड मोनेस्ट्री। बस चलते हैं यहाँ पे अंदर, ये अंदर सी होगा मेरे ख्याल से, यही होगी। लेट्स गो। जी ओल्ड मोनेस्ट्री पूरी मड हाउस काइंड बनी हुई है। वाओ, दिस इज द ओल्ड मोनेस्ट्री। ये जी ओल्ड मोनेस्ट्री, ये है जी यहाँ की हिस्ट्री। मैं फ़ोटो डाल देता हूँ, आप पोज करके पढ़ सकते हैं। बाकी 1996 में बनी थी ये, और अभी 1996 में इसके 1000 साल पूरे हुए। और मोटा मोटा से लिखा हुआ है कि ये जो है मतलब बिकॉज पेंटिंग्स और इसके लिए इतनी फेमस है, इसको अजंता एंड एलोरा कहा जाता है हिमालय का। सो दीज आर अजंता एंड एलोरा ऑफ हिमालयस। बहुत बढ़िया जी, मज़ेदार मज़ेदार हिस्ट्री। कभी कभी ऐसी जगह पे आओ तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, बिकॉज यू गेट टू नो फ्यू बेसिक थिंग्स। ये जो मोनेस्ट्री है, ये मोनेस्ट्री है अराउंड 1024 साल पुरानी है। सो कैन यू बिलीव, 1024 साल पुरानी मोनेस्ट्री है और इतनी वेल मेंटेन्ड है। 83 में ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने इसको ओवरटेक कर लिया था, तो गवर्नमेंट अभी इसको चलाती है, काइंड ऑफ गवर्नमेंट से फंडिंग वगैरह होती है इसकी मेंटेनेंस के लिए। और अंदर आप मानोगे, अंदर फोटोग्राफर अलाउड नहीं थी तो मैं कुछ फ़ोटो वीडियोज़ ले नहीं पाया। अंदर इतनी बढ़िया वॉल पेंटिंग्स की हुई हैं, इतनी बढ़िया वॉल पेंटिंग्स की हुई हैं, जस्ट अमेजिंग है। वो अमेजिंग से कहते हैं, मतलब मेरे हिसाब से तो मस्ट विजिट है। पूरी वॉल पे क्या है, बड़ी बड़ी स्टैचूज़ बने हुए हैं अलग अलग, जो इनके गॉडेस गॉड गॉडेस हैं उनके, इतने बड़े बड़े स्टैचूज़ बने हुए हैं और पूरी वॉल पे पेंटिंग्स हैं, पूरी वॉल पे पेंटिंग्स हैं। मतलब इतनी फैंटास्टिक जगह है, इतनी फैंटास्टिक जगह है, मेरे हिसाब से तो मस्ट विजिट है। एवरी वन शुड कम हेयर इफ़ दे आर प्लानिंग स्पीति ट्रिप। एक एक्चुअली हेरिटेज प्रॉपर्टी काइंड है ये, मेरे ख्याल से जो मुझे समझ में आया, एक्चुअली एक हेरिटेज रिप्रेजेंट करती है, तो मेरे हिसाब से आना चाहिए। बहुत बढ़िया है। अब यहाँ से निकलते हैं गाड़ी उठा के, विल गो टू दैट केव, सो उसके बाद निकलते हैं काजा सीधा जी। चलो, यहाँ से हो गया, यहाँ से निकल रहे हैं होटल से। मैं बेसिकली जा रुको वैसे केव्स देखते हैं, अगर टाइम मिलता है, टाइम मतलब आई मीन पार्किंग वार्किंग ये वो सब प्रॉब्लम ना हो, केव्स देखेंगे और उसके बाद निकलते हैं आप काजा। चलो जी, ये है जी टाबो का हेलीपैड, और बहुत ही बड़ा बना हुआ है। और जो हमारा होटल था वो सामने बिल्कुल जाके था वहाँ पर, वहाँ से उसकी एंट्री है बेसिकली। तो जब आप आओगे तो आपको यहाँ से ऐसे मिलेगा नीचे, आराम से आपको ढूंढ ढांड के निकालनी पड़ेगी थोड़ी सी ये जगह। तो ये पॉइंट है, चलो जी, ये है जी एंट्री। यहाँ से गुफा वाला जो पॉइंट है वहाँ पे जाने के लिए, चलो एक बार देख के आते हैं जरा क्या है। थोड़ा सा शायद ट्रैक सा लग रहा है, तो चलो देख के आते हैं, ऊपर पहुँचते हैं, दिखाते हैं क्या जी। ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है, मतलब ये काफ़ी ऊपर से जाके है भाई, ऊपर की जगह मुझे पता नहीं है, रेस्टोरेंट है क्या नहीं है पता नहीं, या यही वो गुफाएं हैं।
सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू रीच दैट लोकेशन, बाकी वहाँ पहुँच के देखते हैं क्या चीज़ है। चलो ये है, यहाँ पे ऐसी केव्स बनी हुई हैं जगह जगह ना, अगर आपको दिख रहा हो बीच बीच में, ऐसे देखो ये बनी हुई है, ये बनी हुई है, यहाँ पे बनी हुई है। तो ये है जी केव्स। अब यहाँ से निकलते हैं वापस, हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं। ये देखो पूरा आपको जो है टाबो शहर यहाँ से बड़ा ही क्लियरली विजिबल है। ये है जी पूरा टाबो शहर, बस यहाँ से शुरू होके यहाँ ख़त्म। और मेरा होटल वो रख कोने वाली जो बिल्डिंग दिख रही है सबसे कोने वाली एक्सट्रीम में, सो ये था मेरा होटल। और वहाँ से ड्राइव करके यहाँ ऊपर आए, अब यहाँ से वापस निकलते हैं जी। चलो ओके, बहुत मैंने गलत रास्ता ले लिया आते हुए, सो बेटर टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ यू नो प्लेसेस वाइल कमिंग हेयर। सो बेटर है प्रॉपर रास्ते से आओ, जो रास्ता बना हुआ है जाते हुए उसी रास्ते से जाऊँगा मैं। ये है जी, तो यहाँ से अगर मोनेस्ट्री दिखाने की ट्राई करूँ, देखो ये है मोनेस्ट्री, ये जो बीच में दिख रही है ये है ओल्ड मोनेस्ट्री। ये है जी, ऊपर से बहुत ही बढ़िया नज़ारा आ रहा है। चलो अब चलते हैं जी आगे। ये हैं जी मड वाली केव्स, जो बाहर थी वो नेचुरल केव्स बनी हुई हैं, और ये मैन मेड जो ऊपर पर कैसे थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ रखी है। ये हैं वो एक्चुअली केव्स हैं जो मेडिटेशन के लिए जरूरत थी। यहाँ पे भी एक पुराना मंदिर बना, उसकी फ़ोटो वगैरह अलाउड नहीं है। बहुत बढ़िया जगह है वो। आते हुए क्या हुआ ना, ये जो नीचे पगडंडी सी दिख रही है एक पहाड़ के बीच में से शॉर्टकट है बेसिकली, तो मैंने ये ले लिया गलती से। अब मेरे को आदत थी वो पुराने वाले हिमाचल की कि ठीक है चल जाएंगे निकल जाएगा धीरे धीरे, पगडंडी सी बनी हुई है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे बीच बीच में पत्थर है तो आपकी वो ग्रिप जो है ना वो नहीं बन पाती है यहाँ पे, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उस चक्कर में होता क्या है ना, उस चक्कर में आपका बार बार पैर जो है स्लिप होने के चांसेस रहते हैं। सो इट इज़ बेटर कि जैसे ये रास्ता बना हुआ है जिस पर अभी मैं चल रहा हूँ, इस रास्ते से ऊपर आओ, ये प्रॉपर रास्ता बना हुआ है तो इसमें कोई चैलेंज नहीं है। हालांकि लंबा भी पड़ेगा बट एटलीस्ट सेफ रहेगा, अपने को आदत नहीं है चलने की तो इसलिए मजे मत लें। चलो जी चल रहे हैं नीचे, आराम आराम से चलते हैं, पहुँचते हैं नीचे। देखो जी ऊपर होके आ गए, बट अगर आप यहाँ आते हो तो थोड़ा सा टाइम निकाल के आओ, क्योंकि यहाँ पे क्या चैलेंज है कि थोड़ा सा ट्रैक है, मतलब अराउंड होगा कुछ 100-200 मीटर का ही होगा, पर थोड़ा सा खड़ा हुआ ट्रैक है। रास्ता बना हुआ प्रॉपर बना हुआ रास्ता वास्ता, ऐसा दिक्कत नहीं है। तो टोटल आपको आने जाने में आधा पौना एक घंटा लग जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड ऑफ वॉकिंग आधा पौना घंटा लग जाएगा। पर मेरे हिसाब से अच्छा जगह है, एक तो जो है वो तो है ही, चलो मतलब जो गुफाएँ हैं और वो देखने वाला पॉइंट है, उसके अलावा ऊपर से व्यू बहुत फैंटास्टिक है। ऊपर से व्यू की बात करें तो इतना फैंटास्टिक व्यू है, इतना फैंटास्टिक व्यू है ऊपर से, मज़ेदार से कहता है ना, पूरा टाबो शहर दिखता है, और ऊपर से पहाड़ बादल आसमान सबका कॉम्बिनेशन। अभी फोटोज डालता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ ली है मैंने वहाँ से, तो बहुत फैंटास्टिक है, तो आपको जाना चाहिए वहाँ पे मेरे हिसाब से। तो चलो जी भाई, हम यहाँ से हम हो गए फ्री टाबो से, टाइम हो गया है 11:15, अब निकलते हैं काजा के लिए। काजा में पहुँचते हैं, 1.5 घंटे का रास्ता शायद काजा का, काजा पहुँचते हैं, वहाँ जाके रूम वूम लेते हैं, चेक इन करते हैं, और उसके बाद फिर निकलेंगे काजा घूमने के लिए। गर्मी बहुत है यहाँ, तो काजा का पता नहीं क्या हाल होगा, यहाँ तो धूप बहुत तेज़ है तो बहुत गर्मी भी पड़ी है अभी। चलो जी निकलते हैं अभी, तो इस व्लॉग को फिर करते हैं यहीं पे ख़त्म। हम मिलते हैं जर्नी में अगले व्लॉग में जब पहुँचते हैं काजा, रास्ते में कुछ आएगा तो दिखाते हुए चलते हैं, अदरवाइज फिर काजा में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए डू थिंग्स दैट मेक्स यू हैप्पी। चलो जी मिलते हैं अगले व्लॉग में, चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स।